गाली देने वाले गाली देना ही अपना धर्म समझते हैं और उसी में अपना सांस समझते हैं। वोट देने के लिए तो हिंदू, सम्मान देने के लिए बेगाने। इन धमकियों से स्वामी प्रसाद मुझे बिचलने वाले नहीं है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बने हुए स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। अपने ऊपर लगते आरोपों पर पलटवार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि गाली देने वाले लोग गाली देना अपना धर्म समझते हैं। अपमानित होने वाले की पीड़ा इतनी दर्दनाक होती है कि ये वो खुद जानता है। इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने गांधी जी का एक उदाहरण भी दे दिया। गाली देना ही अपना धर्म समझते हैं और उसी में अपना सांस समझते हैं, लेकिन अपमानित होने वाले से अपमान का दर्द अगर आप पूछेंगे तो शायद उसकी पीड़ा इतनी दर्दनाक होती है, जिसका उदाहरण एक है। अंग्रेज अफ्रीका में ट्रेन पर यात्रा करते वक्त गांधी जी को इंडियन था डाक कहकर के जिस तरीके से अपमानित किया था और उस अपमान से गांधी जी को जो सदमा हुआ था, जो दिल में दर्द हुआ था, वो केवल गांधी जी ही जानते हैं। अपने ऊपर लगते आरोपों पर पलटवार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये लोग केवल वोट लेने के लिए हिंदुओं की बात करते हैं। वोट लेने के लिए तो हिंदू, सम्मान देने के लिए बेगाने। आखिर क्यों? और जब आप हिंदू मानते हो तो सम्मान क्यों नहीं? इसका मतलब आप केवल वोट लेने के लिए इनको हिंदू मानते हो। सम्मान स्वाभिमान की जब बात आती है, हक हकूक अधिकार की बात आती है, तो इनको आप दुश्मन मान लेते हो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, सिर काट देने, जीभ काट देने, नाक काट देने की चाहे कितनी भी घुड़कियां मिले, स्वामी प्रसाद मौर्य इससे डरने वाली नहीं है और ये लड़ाई जारी रहेगी। अपमानित करते हो, ये बंद होना चाहिए और जितनी भी घुड़कियां आ रही हैं, देख लेने की, मार लेने की, सिर काट लेने की, नाक काट लेने की, जीभ काट लेने की, कान काट लेने की, इन धमकियों से स्वामी प्रसाद मौर्य बिचलने वाले नहीं है। बल्कि आज हमने अगर इनके सम्मान की बात उठाई है तो ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जब तक इनको सम्मान नहीं मिलता, जब तक आपत्तिजनक टिप्पणी संशोधित या प्रतिबंधित नहीं होती, तब तक ये अभियान चलता रहेगा। मौर्य ने बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि संविधान के विपरीत कोई आचरण करता है तो वो या तो पागल होता है या फिर राष्ट्र विरोधी। पहली बात तो ये कि भारतीय संविधान किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी भी पंथ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश एक है, संविधान एक है, राष्ट्रीय झंडा एक है और इसी के अंदर अनेक विचारधाराएं, अनेक पंथ, अनेक धर्म सब भारतीय संविधान से अनुशासित होती है। इसलिए भारतीय संविधान के विपरीत कोई भी आचरण करता है तो या तो पागल और मानसिक दिवालिया है या राष्ट्र विरोधी है। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ये कैसा धर्म है जहां किसी का सम्मान नहीं, जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को नीच कहता है, अधम कहता है, महिलाओं को नीच में भी नीच, अति नीच बताता है, प्रताड़ित किए जाने की बात करता है, पूरे शुद्ध समाज को अपमानित करने की बात करता है, क्या यही धर्म है? अपनी सुरक्षा को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य बोले कि सरकार को खुद उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। स्वाभाविक रूप से सरकार को तो स्वयं संज्ञान लेकर के
आपराधिक बयान देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई भी करनी चाहिए और मेरी सुरक्षा व्यवस्था को भी उनको सुनिश्चित करना चाहिए। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले महीने 22 जनवरी को एक बयान में महाकाव्य श्री रामचरितमानस की आलोचना करते हुए कहा था कि उसके कुछ अंशों से दलितों, पिछड़ों और महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं, लिहाजा इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उनके इस बयान पर खासा विवाद हुआ था। उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हो चुके हैं। संत समाज और भाजपा के कई नेता श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन मौर्य अपनी बात पर लगातार कायम है।